तो गाइस हमारा जो शेफ है वो चेंज हो गया है, ये पाव भाजी स्पेशल वाला है, इस पाव भाजी बनाने वाला जी शेफ नहीं, मंगवाया हमने बिगाड़े स्पेशल। कोई और सही कोई और करे। सो हाय गाइस, आज बन रहा है हमारे घर में कुछ स्पेशल। विनय का मन था कुछ स्पेशल बनाने का और खाने का, एक्चुअली खाने का ही था, वो तो मैंने ही उनके सर पे डाल दिया कि हाँ तुम बनाओ और मैं खाऊंगी। Like always. Like always, yeah. So, आज बना रहे हैं हम मूंग दाल का हलवा, वो भी फर्स्ट टाइम। हमने देखी कुछ वीडियोस YouTube पे फॉर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ये रेसिपीज के लिए कि हाँ कैसे बनता है। फिर अब हम जो हमने थोड़ा बहुत देख लिया रेसिपीज में, अब उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप बना रहे हैं दो तीन वीडियोस को मिक्स करके। सो गाइज, हमने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है और आगे क्या कर रहे हैं। तो विनय अभी तक क्या क्या कर लिया है? उसने दाल थी ये धुली हुई जो बिना कीचे वाली होती है मूंग, हाँ, और इसको मैंने अच्छे से धोकर, हाँ, फिर दोबारा से उसको फ्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब सूखा वैसे हल्का सा, ओके, रोस्ट कर रहा हूँ ताकि जो पानी सारा उड़ जाए और ये थोड़ा सा दरदरा सा बने। ये मूंग की धुली हुई दाल है, हाँ, और इस बिना छिलके वाली। इस वाले में मैंने पानी और मतलब चाशनी बना रहा हूँ, उसमें ये जो लाल लाल देख रहा हूँ ना केसर है ये। ओके, तो इसमें है पानी, चीनी और केसर। गाइस, हमने यूज करी है मूंग दाल ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स, हाँ ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स हमने मूंग दाल ली है धुली हुई बिना छिलके वाली, और पानी हमने ऑलमोस्ट लाइक आधी लीटर पानी लिया है। इसमें करीब 200 ग्राम के करीब हमने चीनी डाली है क्योंकि हम थोड़ा मीठा कम ही खाते हैं, और केसर काफी सारा डाला है जैसा कि अभी आपने देखा है। अब ये फ्राई हो गई है मूंग दाल, तो अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे थोड़ा सा ठंडा करके। तो एक बार पीसते हैं फिर उस बार आपको दिखाते हैं। ये ठंडी हो गई है अभी नहीं, इसको उसमें से मैं डाल दूंगा ना, इस कढ़ाई की जरूरत थी ना मुझे, थोड़ा सा घी में वो थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट करूंगा इसके लिए। ओके ठीक है, तब तक गाइज ये देखिए हमारी चाशनी हो रही है रेडी। इसमें आ रहा है थोड़ा थोड़ा कलर केसर का, थोड़ा सा लेमन शेड आ रहा है इसमें, थोड़ी देर में बिल्कुल पीलापन आ जाएगा इसमें, केसर का अपना कलर छोड़ देगा। अगर जरूरत होगी तो इसमें थोड़ा और केसर भी डालेंगे, अभी मुझे आइडिया नहीं था कि कितना केसर डालना है, तो अभी बस इतना डाल करके देख रहे हैं। केसर तो काफी सारा है तो उसके अकॉर्डिंग डाल लेंगे। हाँ ओरिजिनल केसर गाइस कलर नहीं छोड़ता है, ये ओरिजिनल वाला ही है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत पीला बनाया है, अगर कलर चाहिए होगा अच्छा तो हम फूड कलर भी डाल सकते हैं। घी डाल रहे हो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए? यस, फिर इसी में बाकी चीजें भी कर लेंगे ना। इतना घी थोड़ा सा और लगेगा। तो गाइस ये लिए हैं हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और ये हैं खरबूजे के बीज जो कि मूंग दाल हलवे में तो डलते ही डलते हैं, अच्छे लगते हैं। मूंग दाल हलवे में ये खरबूजे के बीज बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने ये ले लिया है ड्राई फ्रूट्स में। अब अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स में और भी डालना होगा तो हम एंड में डाल लेंगे, कुछ बढ़ा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। खरबूजे के बीज बाद में एंड में ऐसे ही डल जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम बादाम और काजू को रोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डाल देता हूं, काजू अच्छे लगते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स ही क्या ही मजा आएगा। और ये हमारी केसर ने कलर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं रोस्ट। जलाने नहीं है, थोड़ा सा रेड हो जाए। क्या डाला है अभी हमने? ये सूजी डाली है मैंने इसके अंदर। कितनी सूजी है? करीबन होगी 4 चम्मच के आसपास। अच्छा, कटोरी में थोड़ी सी ही है सूजी। बेसन भी डलता है? हाँ। उतना ही बेसन जितना की सूजी है, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 चम्मच के करीब। हाँ।
अच्छा ये भी फ्राई होगा। ये क्या है, हमारी दाल पिस गई है और हमारी सूजी भी और बेसन भी अच्छी तरह भुन चुका है। और हमारा सूजी बेसन भी हो गया है, ठीक है। हम ये डाल देंगे। हमने इसमें डाला है थोड़ा और घी, जिससे कि ये आराम से भुन जाएगा। और इसमें मुझे लग रहा है अभी और थोड़ा घी डलेगा, पानी डलेगा इसमें, बोलो जो हमने बनाया चाशनी। वो डालते हैं इसमें। ओके, ऑलमोस्ट हम दो कड़छी या तीन कड़छी घी डाल चुके हैं। हाँ, अभी तक हम 300 ग्राम दाल के हलवे में तीन कड़छी घी डाल चुके हैं और ऑलमोस्ट लाइक दो कड़छी ही हमने चीनी डाली होगी, अगर हम कड़छी के हिसाब से ही हिसाब लगाएं तो। और ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन चुके हैं, तो बस अब आगे थोड़ा बहुत अब ये चाशनी डलेगी। पी रही है पानी। तो गाइस हमारा जो शेफ है वो चेंज हो गया है। ये पाव भाजी स्पेशल वाला है, इस पाव भाजी बनाने वाला जी नहीं, बिगाड़े कोई और सही कोई और करे। वो तो मैं अभी तो पहली बार ही बना रहा था, लेकिन अभी हाँ, तो मैंने भी तो पहली बार ही बनाया है ना, मस्त लग रहा है वैसे ना। हाँ, ये देखो। तो तुम्हारी बिगाड़ी हुई क्या चीज रेसिपी मैंने सही करी है, सो वी मेक अ गुड टीम, यू टेक द इनिशिएटिव, आई कंप्लीट इट। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हलवा बन गया है, शायद ऐसा हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, हाय हाय, ये मजबूरी। इनिशिएटिव तुम्हारा और फिनिश लाइन मेरी। लेकिन रंगत देखो हलवे की क्या आ रही है, बिल्कुल जैसे बाजार में होता ना ऑरेंज कलर का हो गया है, बून बून के खुशबू। इसमें डाला है हमने मावा और इलायची पाउडर। हाँ, इतने जोरदार मजा आ गया। सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल चुके हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट तो खैर डाल ही देते, वो तो जब हमने कूटे थे और फ्राई करे थे वो तो डलने थे इसके अंदर। और एक कड़छी घी। हाँ, घी तो भाई सब भर भर के डाला है इसमें। नहीं, चार कड़छी घी। कल वैसे ही हमारा फुल बॉडी टेस्ट है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ना आ जाए। हमारा फुल बॉडी टेस्ट के लिए हमने कुकिंग कर रखी है, और अगर हमने इतना घी खाया तो हो सकता है हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाए। नहीं 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 नहीं, अब ये हम कल खाएंगे, आज नहीं। नहीं, मैं तो खाऊंगा, मेरा तो मन था तभी तो बनाई है। अरे हाँ, तो गाइस फाइनली पसीने छूट गए ये हलवा बनाने में, और अब ये हलवा बनके रेडी है, तो मैं आपको एक बार इसकी रंगत दिखा देती हूँ। मुझे लगा, पता है क्या लगा था, कि आधी कढ़ाई के आसपास बनेगा ये, और ये कढ़ाई भर के हलवा बना है बाहर तक। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था 300 ग्राम में इतना हलवा बन जाएगा, और मैं सोच रही थी कि सोनम को भी दे देंगे, हनी भाभी को भी दे देंगे। अभी ये इतना है कि हम मतलब चार पांच फैमिलीज में बांट सकते हैं ये हलवा। तो गाइस ये देखिए कितना सारा बनाया और क्या रंगत है इसकी। मावा तो ऐसे भर के डला हुआ है। सो गाइस ये देखिए ये हलवा, थिकनेस भी अच्छी है इसकी और क्वांटिटी तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। इस अब हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं बना कैसा है, मेहनत रंग लाई या वेस्ट हो गई। तो गाइस बस हम आपको दिखाते हैं अब कैसा बना है हलवा। अच्छा बना, खाया भी है अभी तक। हाँ, खा लिया। कैसा पापा, टेस्टी है। जब शादी में होता वैसा है ना, बहुत बढ़िया। कलर भी वैसे ही आया बिल्कुल, है ना। इतना सा बनाया था, जरा सा 300 ग्राम दाल का पूरी कढ़ाई भर गई इससे। हाँ, मीठा भी कम हल्का ही है, ज्यादा नहीं डाला है, वैसा नहीं है बहुत चटक मीठा। पीस के भी डाले, वैसे भी डाले अच्छे। तो चलिए दोस्तों, मेहनत सफल हुई और अब किस किस के यहाँ पहुँचाना है हलवा। हनी भाभी के यहाँ,
और वो सोनम के लिए पैक करके रख दूंगी, और शिवा भैया जिन्होंने खोया भेजा था उनके लिए भी पैक करके रख देंगे, और हमारे लिए। तो बस अब मैं डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भी खाऊंगा, मतलब हलवा खाऊंगा। हालांकि मैंने सही बताऊँ तो ठीक से टेस्ट भी नहीं करा अभी, तो बस रिव्यूज ले रहा हूँ सबके।